नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो है ऑप्शंस ट्रेडर्स के लिए। जी हाँ, अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करते आ रहे हैं, आप एक नोविस ट्रेडर हैं, नए हैं या ऑप्शन ट्रेडिंग करने की सोच रहे हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप उनमें से हैं जो ऑप्शंस ट्रेडिंग करते आ रहे हैं काफी सालों से, फिर भी नुकसान खा रहे हैं, तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, मेरा नाम विपुल कौशिक है और मैं स्टॉक मार्केट को पिछले 20 सालों से जी रहा हूं, उसी में ट्रेडिंग कर रहा हूं, उसी में इन्वेस्टमेंट करता हूं, वहीं ट्रेनिंग भी कर रहा हूं। पिछले 5 सालों में मैंने जो ट्रेनिंग क्लासेस रन की हैं मास्टर क्लासेस के रूप में, आप लोगों ने उसको बहुत पसंद किया और बहुत सारे लोगों ने ऑप्शन चेन टेक्निकल एनालिसिस की मास्टरी हमसे सीखी है। इस वीडियो में मैं जो आपको 7 ऐसी बातें करने जा रहा हूं जिससे आपका ऑप्शंस को ट्रेड करने का नजरिया पूरा बदल जाएगा। गाइस, अगर आपको ये 7 बातें समझ में आ जाती हैं तो मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूं कि आप ऑप्शंस ट्रेडिंग में नुकसान नहीं करेंगे। जो नुकसान की असली वजह है वो यहां डिस्कशन करने वाले हैं ताकि आप ये गलतियां ना कर सके। दोस्तों, मैं भी एक टाइम पे गलतियां करता था, मैंने भी अपनी गलतियों से करके सीखा है। गलतियों से करके सीखने में जो आनंद है, जो एक्सपीरियंस मिलता है, जो नॉलेज मिलती है, वो कहीं नहीं मिल सकती। आप किताब पढ़ के भी ज्ञान ले सकते हैं, बट जो गलती करके आप सीखते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जाइए और हजारों रुपए का नुकसान करके या लाखों का नुकसान करके फिर ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है। दोस्तों, मैं कर चुका हूं, मैं सीख चुका हूं, मैं अपनी चीजों को करेक्ट कर चुका हूं, तो इसलिए मैं अपना आपसे शेयर करने आया हूं। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को हिट रखिए ताकि हम और आप डेली किसी न किसी वीडियो के माध्यम से मिल सके और ये नॉलेज शेयरिंग का जो सिलसिला है जारी रहे। ऑप्शंस को ट्रेड करने के क्या तरीके, पहले समझ लेते हैं। ऑप्शंस को या तो बाय किया जाता है, राइट किया जाता है। ऑप्शन राइटिंग एक टेक्निकल वर्ड है, बड़ा भारी भरकम वर्ड दिखाई देता है, बट राइटिंग का मतलब है ऑप्शन को सेल करना। कुछ लोग ऑप्शंस को बाय करना पसंद करते हैं, कुछ लोग ऑप्शंस को सेल करना पसंद करते हैं। इस वीडियो के अंदर में हम ऑप्शन बायर की उस कैटेगरी को टारगेट कर रहे हैं जो ऑप्शन बाय करने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं 2 का 4 होगा, हो भी जाता है कभी कभी, वो तो तुक्के से होता है और वो अगली बार वो तुक्के काम नहीं आते, पूरा पैसा 4 का 0 हो जाता है। 4 का भी नहीं, 40 का 0, क्योंकि आपको लगता है आपने 2 का 4 किया था, आप और कैपिटल उसमें लगाते हैं, आपको लगता है कि भाई मुझे तो काम करना आ गया, मुझे तो लगता है कि इससे बढ़िया कोई बिजनेस है नहीं, इससे बढ़िया धंधा क्या मिलेगा, खाली प्रीमियम ही तो पे करना है। 5,000, 10,000 रुपए, 2,000 रुपए बैंक निफ्टी की ऑप्शन आ जाती है, 2,000 के 20,000 हो जाते हैं 10 गुना, और अगली बार 2 लाख लेके आते हैं, 2 लाख को 2 करोड़ करने के लिए करोड़पति का सपना लेके आने वाले सभी लोगों के सपने ऑप्शंस बाइंग में चूर हो जाते हैं। ऑप्शंस बाइंग नुकसानदायक नहीं है अगर आप उसको समझ लेते हैं। अगर आप इन 7 बातों का ध्यान रखेंगे तो ऑप्शन बाइंग से भी आप पैसा बना सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं सबसे पहली बात क्या हो सकती है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, जो आपकी गलती भी है, पर अगर आप इसको करेक्ट कर लेते हैं तो आप ऑप्शन बाइंग अच्छे से कर सकते हैं। तो ऑप्शन बायर्स की एक साइकोलॉजी होती है, उनको लगता है कि अगर मैंने कम पैसे से माल खरीदा तो यहां से बाजार चलना ही चाहिए, मैंने ऑप्शंस खरीदे तो पैसा चलना ही चाहिए, बाजार में पैसा आना ही चाहिए। बट आप ऑप्शन राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू को देखना भूल जाते हैं। आप ऑप्शन चेन को अच्छे से देखिए, वहां पे देखने की कोशिश कीजिए कि ऑप्शन राइटिंग कहां पे हो रही है, ऑप्शन राइटर्स का मूड क्या है, उनकी साइकोलॉजी क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, बाजार में ऑप्शन राइटर्स अपनी पोजीशंस कहां बना रहे हैं। अगर आप ऑप्शन राइटर्स को समझ पाते हैं तो आप उनके अगेंस्ट में ऑप्शन बाइंग का ट्रेड भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है, देखिए जैसे तेजी करने के लिए आप कॉल खरीदते हैं, वैसे ही आप मंदी करने के लिए पुट खरीदते हैं, और तेजी करने के 2 तरीके हैं। अगर आप कॉल खरीद के भी तेजी कर सकते हैं और पुट को राइट करके भी तेजी का सेंटीमेंट आप क्रिएट कर सकते हैं, तो या तो आप पुट राइट कीजिए तेजी करने के लिए या आप कॉल को बाय कीजिए। तो अगर आप पुट राइटर्स को समझ जाते हैं कि पुट राइटिंग कहां पे हो रही है और आपके पास प्रीमियम कम है, क्योंकि राइटिंग में प्रीमियम ज्यादा लगे या मार्जिन ज्यादा देना लगता है, तो इसलिए अगर आप सिर्फ प्रीमियम बाय करके इन्वेस्ट करने के ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ऑप्शन राइटर्स को, पुट राइटर्स की पोजीशन को समझिए, वहां पे सोचिए कि कॉल बाइंग कहां पे करनी लाजमी है, जहां पे सही भाव बन सकता है। ऐसे ही अगर आप पुट बाइंग करना चाहते हैं तो कॉल राइटर्स की पोजीशन को देखने की कोशिश कीजिए, कॉल राइटर्स कहां पे ज्यादा हावी है, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका मूड क्या है, उनका मार्केट सेंटीमेंट क्या है, किस तरफ वो बाजार को लेके जाना चाहते हैं, वो क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं बाजार को। तो जब तक आप एक ऑप्शन बायर, ऑप्शन राइटर को नहीं समझेगा, उसकी साइकोलॉजी को नहीं समझेगा, आप एक ऑप्शन बायर नहीं बन सकते, अच्छे ऑप्शन बायर आप नहीं बन सकते। दूसरी सबसे बड़ी गलती, ऑप्शन बायर को लगता है कि डीप, यस डीप आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस को अगर ले लेते हैं, डीप मतलब फॉर एग्जांपल निफ्टी इस टाइम 16,000 चल रही है, आपको लगता है कि आप 19,000 की कॉल खरीद लेते हैं, आपको लगता है बाजार तो बड़ा तेज है यार, है ना, तो डीप आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस खरीदेंगे, 16,000 चल रहा है, 18,000 की कॉल ऑप्शन लेके बैठ जाएंगे, तो ये गलत तरीका है। अगर मान लीजिए बाजार चल रहा है 20,000, आपको लगता है नहीं मंदी आने वाली है और बहुत ही दूर की आप ऑप्शन से पुट खरीद के बैठ जाते हैं, तो ऐसा नहीं है गाइस। आपको डीप आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस को परचेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां पे अगर बाजार आपके अगेंस्ट चला जाता है तो पूरा का पूरा प्रीमियम साफ हो जाएगा, टाइम डिके होगा, वोलेटिलिटी उसमें नहीं मिलेगी, वेगा आपको खाने को नहीं मिलेगा, डेल्टा आपको खाने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आप दूर की ऑप्शंस खरीद लेते हैं तो दोस्तों अगर बाजार जरा सा भी आपके अगेंस्ट है तो बाजार आपके पैसे को पूरा पूरा प्रीमियम साफ कर देगा, पूरा पैसा जीरो हो जाएगा। तो डीप आउट ऑफ द मनी ऑप्शन खरीदने की गलती ना करें,
हमेशा इन द मनी या एट द मनी या नियर द मनी ऑप्शन खरीदने की कोशिश कीजिए। नियर द मनी क्या होगी, फॉर एग्जाम्पल 16,000 का भाव चल रहा है तो 16,000 के आसपास की किसी स्ट्राइक प्राइस को हम नियर द मनी कहेंगे। एट द मनी हम 16,000 की ही ऑप्शन को एट द मनी कहेंगे और इन द मनी कहेंगे 16,000 से नीचे की जो ऑप्शन है। अगर आप कॉल बायर हैं तो 15,000, 15,800, 15,700 जो 16,000 के नीचे के भाव है कॉल ऑप्शन के वो इन द मनी कहलाएंगे। और अगर आप पुट ऑप्शन खरीदना चाहते हैं तो 16,000 से ऊपर में 16,100, 200, 300, 500 ऊपर की सारी पुट ऑप्शन इन द मनी होंगी। तो बाजार को समझ के इन द मनी ऑप्शन को खरीदने की कोशिश कीजिए क्योंकि वहां पर थोड़ा सा नुकसान होने के चांसेस कम होते हैं। आपको लगता है बाजार में थोड़ी सी इंटरेंसिक वैल्यू आपको मिल जाती है, कहीं ना कहीं आपको भाव मिल जाते हैं। अगर बाजार पूरा एक्सट्रीमली बाजार उस भाव को तोड़ता है तो आपको कहीं ना कहीं नुकसान होता है, नहीं तो आप पूरा जीरो होने से इन द मनी के आसपास में बच सकते हैं, वहां बचने के चांसेस हैं। तीसरी सबसे बड़ी वजह है लॉस करने की, ऑप्शंस बाइंग करते हुए आप वोलेटिलिटी को चेक नहीं करते। अगर बाजार वोलेटाइल नहीं है तो ऑप्शंस बाइंग आपको नुकसान देगी ही देगी, आपको प्रीमियम डिके होगा ही होगा। तो अगर आप ऑप्शंस बायर हैं, चाहे पुट ऑप्शन बायर हैं, चाहे आप कॉल ऑप्शन बायर हैं, तो आपको वोलेटिलिटी इंडेक्स को चेक करना चाहिए, विक्स को चेक करना चाहिए, वो आपको अच्छे से सीखना होगा, तभी आपको ऑप्शंस बाइंग करनी चाहिए। नहीं तो क्योंकि अगर आप किसी भी समय बाजार में बाइंग करेंगे, साइडवेज मार्केट अगर चल रही है तो विक्स भी ठंडा होगा और बाजार भी ठंडा होगा और आपके ऑप्शंस बाइंग के सौदे खराब होंगे ही होंगे। ऐसे केस में ऑप्शन राइटिंग ही बेस्ट स्ट्रेटजी बनती है। चौथी सबसे बड़ी वजह, आप किसी भी समय एंट्री कर लेते हैं, जी नहीं, बेस्ट टाइम टू एंटर व्हेन यू वांट टू बाय ऑप्शंस। ऑप्शंस बाइंग करते हुए सबसे सही समय है आपका फर्स्ट वीक की स्टार्टिंग या थर्ड वीक की स्टार्टिंग। जी हाँ, ये वो दो समय होते हैं जो एक तो एक्सपायरी के आसपास आप पहुंच रहे होते हैं थर्ड वीक में, तो बहुत ही हाई वोलेटाइल मार्केट हो जाती है, सौदे कट रहे होते हैं, पोजीशंस यहां से वहां हो रही होती है, लोग अपने सौदों को यहां से काट के नेक्स्ट एक्सपायरी में शिफ्ट कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं एक टाइम खत्म होने वाला होता है, एक जल्दबाजी होती है, उसमें बड़े बड़े सौदे अपने काट दिए जाते हैं, राइट, ठीक है, तो वहां पर एक्सट्रीम वोलेटिलिटी आपको मिल सकती है। दूसरा हाई वोलेटिलिटी होती है जब महीना शुरू होता है फर्स्ट वीक ऑफ ऑप्शंस में, वहां पर आपको अच्छी खासी वोलेटिलिटी मिलेगी। तो ऐसे टाइम पर अगर आप ऑप्शंस को बाय करने की कोशिश करेंगे तो टाइम है, वोलेटिलिटी है, दोनों में आपको अच्छे खासे प्रीमियम मिल सकते हैं। थोड़े में महंगे जरूर होंगे ऑप्शंस बाय करते हैं फर्स्ट वीक में, बट चांसेस ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी हाई बन जाते हैं, क्योंकि अगर हाईएस्ट वोलेटिलिटी होगी, हाई वोलेटिलिटी होगी तो ऑप्शंस बाइंग आपको पैसा दे सकती है। तो जब तक मार्केट का ट्रेंड ना पकड़ लें, अगर आपको मार्केट की टाइमिंग ना पता हो, आप ऑप्शंस बाइंग नहीं कीजिएगा। पांचवी सबसे बड़ी वजह, कोई भी ऑप्शन बायर मैं देखता हूं, जितने लोगों से मिलता हूं, मुझे फोन करते हैं, मेरे लाइव सेशंस में आके बताते हैं, कोई भी स्टॉप लॉसेस नहीं लगाता। गाइस, अगर आप पहली बात तो आपको ट्रेंड देखना नहीं आता, आपको मालूम नहीं है कि आपको किस ट्रेंड में आप क्या ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए, क्या ऑप्शन राइटिंग करनी चाहिए, आप ऑप्शन ट्रेड करने चले जाते हैं, साथ में उससे बड़ा क्राइम आप करते हैं कोई भी स्टॉप लॉसेस ना लगा के, अगर आपने अच्छे से सीखा नहीं है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग फ्यूचर ट्रेडिंग एक स्किल है, एक प्रोफेशनल की तरह किया जाता है, ये मस्ती मजाक का ट्रेड नहीं है कि आपका मन आया, किसी ने बोला ट्रेड कर लेंगे। फ्यूचर ऑप्शन एक स्किल कहलाती है, फ्यूचर ऑप्शंस को ट्रेड करने के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए, अच्छा खासा एडिक्वेट कैपिटल चाहिए और पूरी शिद्दत के साथ काम करना पड़ता है, मजाक नहीं है। किसी भी मजाक की तरह ऑप्शंस को ना लें, ना ही फ्यूचर एंड ऑप्शंस की पूरी ट्रेडिंग को आप मजाक की तरह ले सकते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, नॉलेज नहीं है, तो आपको स्टॉप लॉसेस लगाने बहुत जरूरी है, सो दैट यू कैन कट योर लॉसेस। छठी सबसे बड़ी वजह, आप लोग टेक्निकल एनालिसिस नहीं सीखते हैं। जितने भी ऑप्शन बायर हैं उनको लगता है कि मैं ऑप्शन बाय कर लूंगा और पैसा बन जाएगा। गाइस, अगर आप एक टेक्निकल एनालिसिस सीख लेते हैं तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं आपको ऑप्शन बाइंग और भी आसान हो जाएगी। ऑप्शन बाइंग मैथमेटिक्स है, ठीक है, बट अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस अगर आ जाता है तो आपको समझ में आएगा कि किस पॉइंट पे कौन सी ऑप्शन को बाय किया जाए और किस पॉइंट पे किस ऑप्शन को राइट किया जाए, क्योंकि चार्ट आपको ये बताएगा कि मार्केट ट्रेंडिंग है या साइडवेज है। साइडवेज मार्केट में ऑप्शंस को राइट किया जाता है और ट्रेंडिंग मार्केट में ऑप्शंस को बाय किया जाता है। सातवीं सबसे बड़ी वजह, कोई सीखना नहीं चाहता, लोगों को लगता है सीखने पे अगर पैसा लगा दिया तो शायद पैसे बर्बाद हो जाएंगे। गाइस, एक बात बताइए, कोई भी बिजनेस करने से पहले जब आप सीखते हैं, किसी के अंदर ट्रेनिंग लेते हैं, आप डॉक्टर बनने से पहले आप इंटर्नशिप करते हैं, आप इंजीनियर बनते हैं तो किसी के नीचे ट्रेनिंग लेते हैं, आप सिविल इंजीनियर बनते हैं तो किसी के नीचे ट्रेनिंग लेते हैं, आप एमबीए होते हैं, किसी कंपनी में जॉब करने आते हैं तो वहां पे आप इंटर्नशिप करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं। स्टॉक मार्केट करने के लिए आप ट्रेनिंग क्यों नहीं ले सकते? तो प्लीज गाइस, फोकस ऑन लर्निंग। मैं हमेशा से कहता आ रहा हूं, मेरे फर्स्ट वीडियो से आपको कहता रहा हूं, सीखिए, चाहे कहीं से भी सीखिए, अपने घर के पास से सीखिए, किसी से भी सीखिए। आप मुझसे सीखना चाहते हैं तो मेरी क्लासेस पूरे इंडिया में होती रहती है, आपको मालूम ही है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जब भी नेक्स्ट मास्टर क्लास होगी, जब भी ऑफलाइन क्लास होगी, तो आपको कॉन्टैक्ट किया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा, आपको अनाउंसमेंट मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर में आ जाएगी या सोशल मीडिया पर आपको मिल जाएगा। और आप मुझे फॉलो करने के लिए प्लीज इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे टेलीग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी आपको रेगुलर अपडेट्स मिल जाएंगे मेरे बारे में, मेरी सभी एक्टिविटीज के बारे में, या मेरे किसी भी न्यू अपडेट्स के बारे में, जो वीडियोज को लेकर रहता है, किसी भी न्यूज को लेकर रहता है। गाइस, बट प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, हाथ जोड़ के विनती है,
मार्केट को बदनाम मत कीजिए। अगर आपको बाजार में पैसा बनाना है तो आपको सीखना ही होगा, ये एक आर्ट है, ये एक बिजनेस है। इस बिजनेस को सीखने के लिए अगर आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट सीखने पे लगा देंगे तो मेरे हिसाब से आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत बहुत हाई हो जाएगी। गाइस उम्मीद करता हूं कि अगर आप ऑप्शन बायर हैं या ऑप्शन राइटर हैं और ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आई होप ये वीडियो कुछ आपके काम की होगी, कुछ इंप्रूवमेंट का स्कोप हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। और अगर आप चाहते हैं किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो, उसको भी आप कमेंट सेक्शन में जाकर राइट कर सकते हैं, उसके लिए भी आपको वीडियो बनाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करा मत भूलिएगा। हाँ, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करने के बाद ही हम आपके साथ रूबरू हो पाएंगे, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।